करते रहे, क्या आयोजन हुआ? देखिए, हर वर्ष तो हम सारे ही अनाथ आश्रम के वरिष्ठ जनों को, विकलांग बच्चों को, सबको यहाँ बुलाते थे, पर इस वर्ष COVID-19 कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है कि हम सबको एकत्रित करें। इसलिए हम आश्रम आश्रम में जाकर और रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। अभी यहाँ से अनुभूति में जाएंगे, फिर महेश दृष्टिहीन में जाएंगे, फिर दूसरे वृद्धा माँ कनकेश्वरी वृद्धाश्रम में जाएंगे। वहाँ सबसे वहीं पर उनको से कहा कि आप वहीं रुकिए, हम खुद आ रहे हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उन सब वरिष्ठ जनों के साथ, विकलांगों के साथ, अनाथ बच्चों के साथ हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। कला जी, पिछले 1.5 दशक से ऐसे निराश्रित लोग जो देखने का कोई नहीं है, वो लोग आपका इंतजार करते हैं, ऐसे तमाम आश्रमों में आप भी हमें नहीं भूलते, ये कैसा बंधन है, मतलब किस तरह? देखिए, इनके चेहरे की खुशी देखकर ही लगता है कि हमने त्यौहार मनाया है। घर में तो परिवार के साथ तो सभी मनाते हैं, पर जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद इन सब वरिष्ठ जनों को, उन विकलांग बच्चों को, उन आश्रम के बच्चों को, उनके साथ जब खुशी उनके चेहरे की देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है हम पर। तो ये की पुरानी परंपरा लगभग 30-40 वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं। किला जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अमित शाह कोरोना पॉजिटिव आए, इसलिए PM को जो क्वारंटाइन हो जाना चाहिए और 5 तारीख को एक भव्य आयोजन आए थे, हमें बोले, क्या लगता है? अब ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी तो हमेशा उल्टा ही उल्टा सोचते हैं। वो तो ये नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह जी को चूँकि क्वारंटाइन में है इसलिए उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, सोनिया जी को शपथ दिलाना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं। इस समझ लो ना, ये हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी कुछ भी बयानबाजी करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। क्या लगता है कि अयोध्या का प्रोग्राम कहीं कहीं प्रभावित होगा सर इससे? बिल्कुल नहीं। अयोध्या का प्रोग्राम अपने निर्धारित संख्या पे, निर्धारित समय पर होगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उमा भारती ने भी आने से मना कर दिया, और भी कुछ लोग जो थे इसी वजह से। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और इसलिए आने जाने की भी बहुत सारी सुविधाएं, असुविधाएं हैं। इतने देर रोड से जाओ और फिर बरसात का भी समय है, इसलिए लोग अवॉइड भी कर रहे हैं, पर इस ऐतिहासिक क्षणों पर वे सब लोग वर्चुअल जुड़ेंगे। जैसे अडवाणी जी ने कहा कि मैं वर्चुअल देखूंगा पूरा कार्यक्रम, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने स्वास्थ्य के कारण कहा कि मैं वर्चुअल देखूंगा कार्यक्रम, तो तकनीकी के माध्यम से वहाँ उपस्थित रहेंगे।